हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट करने का घरेलू तरीका। आप मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, घर में आसानी से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है चीनी से आप आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। मैंने लिया है इसमें चीनी और यूरिन है मेरे पास। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि आपको ये टेस्ट कब करना है और कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी कोई भी लेडी के पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो आप आसानी से घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये टेस्ट आपको कब लगाना है तभी आपका सही रिजल्ट आएगा। देखिए, ये टेस्ट आपको लगाना है पीरियड मिस होने के 1 वीक के बाद। दूसरी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो सैंपल लेना है, जो मॉर्निंग यूरिन सैंपल हमें लेना है, जो आप फर्स्ट यूरिन करती हैं वही यूरिन सैंपल आपको इसमें लेना है। दो चीज़ें ये आपकी हो गई। तीसरा, आपको ये जब टेस्ट करना है जिस चीज़ में भी आप ले रही हैं यूरिन अपना, तो वो बर्तन बिल्कुल साफ हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये टेस्ट करके दिखाऊंगी इसको आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें ली है चीनी, मेरे पास है चीनी, हर घर में होती है, हर किसी के यहाँ होती है, आप आसानी से कर सकती हैं इस टेस्ट को। और हमने लिया है मॉर्निंग यूरिन सैंपल। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, जो कि जिससे हम पता लगा पाते हैं कि प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। तो वो यूरिन में आने लगता है। तो यूरिन में अगर HCG होगा तो हम देखिए रिजल्ट इसका क्या आएगा, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आता है। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ। ये मैंने यूरिन ले रखा है, मॉर्निंग यूरिन सैंपल। हमने चीनी ली है, ये चीनी को हम लेंगे 1 स्पून, हमने इसमें चीनी लेनी है। ये ले देखिए, ये मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी चीनी और ऐड करेंगे इसमें। ये देख लीजिए, अब हम इसको थोड़ा सा इसमें इस तरीके से कर दें। फ्रेंड्स देखिए, आपको इसमें दिख रहा है कि चीनी इसमें घुल रही है। ये देखिए, चीनी के दाने बिल्कुल अलग अलग हैं और चीनी इसमें घुल रही है, यानी कि ये टेस्ट जो है नेगेटिव है। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या होता है अगर पॉजिटिव टेस्ट होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो ये देख लीजिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इस देखिए फ्रेंड्स, अगर पॉजिटिव टेस्ट होता है तो ये देख लीजिए, इस तरीके के आपके जो चीनी के हैं वो गुच्छे टाइप पे बन जाएंगे, चीनी एक जगह चिपक जाएगी और घुलेगी नहीं। तो इसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है। देख लीजिए, इस तरीके से आपकी चीनी घुलेगी नहीं और गुच्छे टाइप की बन जाएगी, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ गई होगी, क्योंकि देख लीजिए, अगर चीनी नहीं घुल रही है तो इसका मतलब है, अगर गुच्छे टाइप में बन रही है तो टेस्ट पॉजिटिव है। अगर इस टाइप की देखिए चीनी अगर आपकी घुल रही है और एक अलग अलग दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है टेस्ट नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।